हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल राम राम। मैं हूँ आपकी अनुकृति शर्मा और मैं करती हूँ आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आज ना मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। भाई आपकी अनुकृति ना डेट पर जा रही है। नहीं, हाँ ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे कौन डेट पर लेके जाएगा, बट मैंने आपके लिए ना डेट का दरवाजा खोल दिया है। अब वो कैसे, मैंने अभी तक आपके लिए इतने सारे वीडियोस बनाए हैं ट्रेडिशनल, जिसमें मैंने वियर्स दिखाए हैं, जैसे हो गया लहंगा साड़ी सूट। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीडियो सूट का ही डाला है, अगर आपने नहीं देखा ना तो जाके देख लो, मिस मत करना भाई। इतने प्यारे प्यारे सूट्स मैंने लिए थे ना अमेजोन से, और हाँ मैं अमेजोन से ही शॉपिंग करती हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे अनबीटेबल डील्स मिल जाते हैं जैसे कहीं नहीं मिलते। ऊपर से 1000 ब्रांड्स भी हैं जो मैं अलग अलग ब्रांड से शॉपिंग कर पाती हूँ, और 4 लाख स्टाइल्स मैं उधर से चुरा पाती हूँ। हाँ और भाई मुझे अगर कभी कुछ पसंद नहीं भी आता है तो 30 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी तो है ही वहाँ पे, और कैश ऑन डिलीवरी जो सबसे अच्छी है। तो मैं ना इसलिए अमेजोन से शॉपिंग करती हूँ, और अभी मैंने अमेजोन से ना आपके लिए एक प्रॉपर डेट लुक क्रिएट किया है। अगर आप किसी के साथ डेट पर जा रही है ना तो मेरा जो लुक मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वो एज इट इज कॉपी कर सकती है, इतना ब्यूटीफुल है। मैंने ना बताऊंगी नहीं दिखाऊंगी। और अगर आप किसी को डेट पर लेके जाना चाहते हैं तो उन्हें ये पूरा का पूरा मैंने जो लुक क्रिएट किया ना वो सारा कुछ उठा करके एक बार में गिफ्ट कर दें, देख लेना। अगर बात नहीं बनी ना तो आप मेरा नाम बदल देना, सच कह रही हूँ। और हाँ कुछ भी पसंद आता है ना तो नीचे लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उसे जाकर के ले लेना, वेट मत करना ठीक है, क्योंकि हमेशा नहीं मिलती यहाँ पे हर चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें रहती है जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है जल्दी जल्दी। तो मैंने अमेजोन से शॉपिंग की है जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ पूरा लुक क्रिएट करके, तो इंतजार करिएगा। मैं ना 1 सेकेंड में, मतलब 2 मिनट में आपके लिए रेडी होकर के दिखाती हूँ, मतलब पूरा लुक वियर करके दिखाती हूँ जो मैंने अमेजोन से अपने लिए क्रिएट किया है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना इवनिंग गाउन पहन लिया है और उसके साथ पेयर कर रही हूँ ये इयररिंग्स जो मैंने ब्लू कलर में ही लिए थे, क्योंकि मुझे इस कपड़े के साथ कुछ अच्छा सा पेयर करना था। लेकिन सच बता रही हूँ ये ना हर कपड़े में अच्छा दिखता है, ऑक्सीडाइज्ड है, इसलिए आप इसे किसी भी कपड़े में टॉप में पहन सकते हैं और वेस्टर्न में भी पहन सकते हैं। मैंने पहन के देखा था बहुत अच्छा दिख रहा था। उसके साथ मैंने पेयर कर लिया है अब ये ब्लैक कलर का हाई हील्स, और ये भी हर कपड़े में जाएगा क्योंकि ब्लैक कलर है और ब्लैक हमेशा एवरग्रीन रहता है। तो पेंसिल हील मैंने लिया था क्योंकि इवनिंग गाउन में वही अच्छा लगता है, और साथ ही डेट के लिए मुझे लुक क्रिएट करना था। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा लुक क्रिएट हो चुका है, और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं ना तो आप कमेंट में जा करके और डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरी स्टोर आईडी से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये लुक, और मैंने पूरा ये लुक क्रिएट किया था डेट नाइट के लिए, जिसमें मैंने लिया था जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला इवनिंग गाउन जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, और इसका कलर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब अगर आप इसे पहनेंगे ना तो अगर कहीं पे भी आप जाते हैं तो फिर भाई आप ही आप दिखने वाली हैं। और इसका जो पैटर्न है ना दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको धोने के बाद भी ना मुझे ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसका कलर जो है ना किसी के ऊपर भी खिल के आता है, आप देख सकते हैं एकदम खिल के आता है। और अगर नाइट में इवनिंग गाउन है, इवनिंग में अगर आप इसे वियर करते ना तो ये जो चीजें इस पे लगी हुई है ना, सितारे कह सकते हैं इसे, तो ना ये बहुत ज्यादा वहां पे आपको लुक एनहांस करके दे देगा और लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाएंगे, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है ये ड्रेस। और उसके साथ मैंने पेयर किया है ये हाई हील्स, मतलब आप देख सकते हैं कितने हाई है ये, बहुत ज्यादा मेरे एक्सपेक्टेशन से भी हाई है ये हील्स। चलो मैं मजाक कर रही थी, मगर हाँ मैंने ये हील्स लिए हैं, और उस गाउन की कीमत मुझे अराउंड 1100 पड़ी थी, और ये हील्स जो आप देख रहे हैं ना ये 800 में मुझे मिल गया था। मतलब आप देख सकते हैं कितना प्यारा, मैंने ब्लैक लिया क्योंकि ब्लैक ना हर किसी में जा सकता है, मगर वहाँ पर्पल व्हाइट ऐसे कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से मैंने तो ये लिया है, और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पहनने में मुझे मजा आया। अब एक्चुअली क्या है दोस्तों, हील्स जो है ना
मतलब हाई हील्स, पेंसिल हील्स जो है वो इसी तरीके के इवेंट्स के लिए ही बनाई गई हैं। अब हम हर जगह इसे पहन करके नहीं जा सकते, क्योंकि थोड़ा सा ये कंफर्ट भी नहीं होता अगर हम हर जगह जाएं। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जैसे कि डेट या कोई पार्टी वगैरह में आप इसे पहन सकते हैं, और ये बहुत सुंदर है, तो आप इसे भी बिल्कुल ले सकते हैं, अपने विश लिस्ट में डाल के रख लो अमेजोन के। और लास्ट जो मैंने लुक में क्रिएट किया है अपने, वो है आपने तो देख ही लिया, बट हाँ ये देखिए, ये वाले इयररिंग्स हैं जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, और ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग है। इसमें जो आप देख सकते हैं ना, ये कलर्स जो दिए गए हैं, ये पिकॉक के फेदर्स की तरह दिखता है। और ना ये मतलब ये सिर्फ एक कपड़े में नहीं जाएगा, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ये ना हर कपड़े में आपके चले जाएगा, तो आपको ना ये तो जरूर लेना चाहिए। हाँ सही बोल रही हूँ, सबके पास ना ये वाला इयररिंग होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इयररिंग है जो हर किसी के ऊपर सूट हो जाएगा और हर ड्रेस में आपके चले जाएगा। तो देखिए इस ड्रेस में भी ये इयररिंग अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, आप इसे भी ले सकते हैं, और मैंने तो उस ड्रेस के लिए स्पेशली इसे लिया था। तो दोस्तों जैसे पहन ही रहती हूँ, तो फिर हमारा आज का जो वीडियो था फुल ऑन इसी चीज के लिए डेडिकेटेड था। और अगर आपको मेरा लुक पसंद आया है और आप लेने वाले हैं, तो कमेंट में बता देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऐड कर दिया है अमेजोन का, मैंने अपना स्टोर आईडी भी ऐड कर दिया है, तो आप जाकर ना वहां से जितने भी मैंने अभी तक शॉपिंग की है ना वो भी देख सकते हैं, और ये वाला लुक बिल्कुल एज इट इज कॉपी करके आप खरीद सकते हैं, और गिफ्ट भी कर सकते हैं और खुद भी यूज कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो था यहीं तक का, और आगे ना एक बहुत ही अच्छा मैं ब्लॉग डालने वाली हूँ। मैं मम्मी को लेकर के गई थी वृंदावन, आप ही लोगों की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से मैं वहाँ जा पाई हूँ अपनी मम्मी को लेकर के और मेरी दीदी को लेकर के, और हम वहाँ घूमे हैं। उसका मैंने बहुत छोटा सा मतलब बहुत प्यारा सा ब्लॉग बनाया है, तो मैं जल्दी आपके लिए लेकर के आऊंगी। लेकिन तब तक आप चैनल में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। फिर से होगी हमारी मुलाकात यानी कि मुलाकात इसी चैनल इसी लड़की अनुकृति शर्मा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा मुस्कुराते रहो यार, मैं तो भैया ब्रेसेस में भी मुस्कुरा लेती हूँ, है ना, तो आप तो बिना ब्रेसेस के भी मुस्कुरा सकते हैं। चलो बाय।